वेलकम टू ज्योति खरेस किचन। आज हम लोग बनाएंगे सोंठ और गोंद के लड्डू, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, जैसे कि हमने अपने बड़ों से सीखे हैं। तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं, आयरन और कैल्शियम से भरपूर ये लड्डू बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम गोंद, आधा किलो गुड़, 100 ग्राम बादाम, 3 चम्मच सौंठ, 100 ग्राम मखाने और 100 ग्राम काजू और किशमिश ली है। और इसके लिए मैंने लगभग 150 ग्राम देसी घी लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटे तल की कढ़ाई में आप 1 चम्मच घी ऐड करिए और अब इसमें आप गोंद को लो फ्लेम करके अच्छे से भून लीजिए। इस तरह से जब गोंद का कलर थोड़ा चेंज होने लगे और ये अच्छे से फूल जाएं, तो इन्हें निकाल लीजिए और अब आप इसमें मखाने फ्राई कर लीजिए। मखानों को भी लो फ्लेम पे फ्राई करिए। मखानों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इसी तरह से आप इसमें अब बादाम को फ्राई कर लीजिए। बादाम को भी हल्का ही भूनना है और अब इसमें आप काजू को भून लीजिए। काजू को बहुत लो फ्लेम पे भूनिएगा और हल्का सा कलर चेंज होने पे गैस ऑफ करके अब इसमें किशमिश को डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, जिससे उसका कच्चापन हट जाए। और अब आप इस तरह से गोंद को ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, गोंद ग्राइंड हो गया है। अब आपको मखाने भी हल्के से ग्राइंड करने हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा महीन ना हो। आप बादाम को तोड़ भी सकते हैं या फिर इस तरह से हल्का ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा दरदरा। और गुड़ को भी इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। आप इसे खल्लर कुटने में भी कूट के बना सकते हैं। गुड़ को ऐड करिए, अब उसमें गोंद ऐड करिए, मखाने ऐड करिए, उसमें बादाम ऐड करिए और उसमें अब काजू और किशमिश ऐड करिए और अब इसमें सौंठ ऐड करिए। सौंठ को आप हल्का सा भून के भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी भुनी हुई हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बचे हुए घी को ऐड कर दीजिए, जो लड्डू की बाइंडिंग में काम आएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद लड्डुओं का शेप दीजिए और इस तरह से सारे लड्डुओं को बांध लीजिए। ये लड्डू आप आराम से 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं और ठंड में इसे खाइए। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब